सभी पत्रकार बंधु और हमारे साथ पत्रकार वार्ता में बैठे हैं युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बेंगलुरु के लोकप्रिय सांसद तेजस्वी सूर्या जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज रोहित चहल जी और शिवम जी, सभी को विजयादशमी का शुभकामनाएं और दीपावली का अग्रिम शुभकामनाएं। जैसे कि हमारे साथी माननीय सांसद तेजस्वी सूर्या जी ने पिछले 8 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के जो सेक्रेटरिएट है, सचिवालय है, उनका नाम है नवान्नो चलो अभियान युवा मोर्चा के नेतृत्व में हुई, गणतांत्रिक पद्धति से, लोकतांत्रिक तरीका से पूरे प्रदेश से युवाओं ने उस रैली को योगदान किया और जैसे कि निर्धारित कार्यक्रम के तहत 4 रूट में इसको बांटा गया। माननीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक रूट में थे, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी दिलीप घोष जी एक जगह थे और बंगाल के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव सम्मानीय कैलाश विजय वर्गीय जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्मानीय मुकुल रॉय जी एक तरफ थे और मैं और प्रदेश की टीम एक तरफ थे। लेकिन देखा क्या गया, जैसे ही हमारी रैली 4 रूट में शुरू हुआ, मैं जिधर था, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे भी होता है। अचानक लाठी चार्ज और टीआर गैस, ये तो स्वाभाविक, पहले से ही हम लोग सोच के रखे थे कि बंगाल की सरकार जो ममता बनर्जी चला रही है, इससे तो ये स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद जो देखे, पानी का जो बौछार आया, उसके साथ नीला रंग केमिकल मिक्स वाला, जैसे कि हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता रहे थे कि वो जिधर से रैली निकाले, कच्चा बोमा छत के ऊपर से तृणमूल के जो टेररिस्ट है, उसमें मुझे लगता है कि पुलिस भी इन्वॉल्व है, जान से मारने के लिए कच्चा बोमा फेंका गया। मैं जिधर था उधर आपका केमिकल डाल के पानी में नीला रंग का एकदम डायरेक्ट लगाया गया। कुछ लोग वहीं सेंसलेस हो गए, 500 से अधिक भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हॉस्पिटलाइज हो गए। मुझे लगता है कि ये ऐसा तनाशाही सरकार है कि नॉर्थ कोरिया में जैसे शासन व्यवस्था है, उसी का रिलेटिव का कोई शासन व्यवस्था बंगाल में चल रहा है, ऐसा लगता है। शाम को इस सब के खिलाफ हम लोग माननीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में हम लोग कोलकाता में जोड़ासांको थाना में गए। 2 घंटा से 2.5 घंटा तक हम लोग इंतजार किए। FIR दर्ज तो दूर की बात, हम लोग 3 सांसद थे, कोच बिहार के लोकप्रिय सांसद निशित परमाणिक जी, तेजस्वी सूर्या जी और मैं, तीनों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे हम लोग दूसरा कोई ग्रह से आए हैं, इस हिंदुस्तान के है ही नहीं। ऐसा अभद्रता व्यवहार किया गया उस थाना में, और वो सारे के सारे ममता बनर्जी के नेतृत्व में हो रहा था, क्योंकि वो, मेरे को जो लग रहा है, वो कंटिन्यू खबर ले रही थी और खबर लेने के बाद थाना को ऐसे करवा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो थाना ना होके TMC का दफ्तर है, तृणमूल कांग्रेस का पार्टी ऑफिस है, ऐसा व्यवहार था। हमारे साथ धक्का मुक्की किया गया, तीनों सांसदों के साथ अभद्रता तो किया ही गया, ये तो मामूली बात है वहां के लिए। फिर हम लोग वहां से आए, पिछले आप लोग जानते होंगे,
ढाई से तीन साल के अंदर लगभग 150 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हत्या किया गया सिर्फ इसी कारण कि उन लोग बीजेपी का सपोर्टर है या तो बीजेपी का नेता है। हम लोग देखें कि कुछ दिन पहले हमारे एक लोकप्रिय विधायक को गला में फांसी का फंदा देकर लटकाया गया, एक काउंसिलर को शूटर लाके, भाड़ा का शूटर ला के उसको मार दिया गया। ममता बनर्जी का जो तानाशाही शासन का व्यवस्था है वर्तमान में, इतना निंदनीय और घिनौना है कि वो एकदम पूरा टेररिस्ट के तरह प्रशासन के द्वारा इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। माननीय गृहमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, दोनों का प्रवास हुआ अभी कुछ दिनों के अंदर। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है कि मुझे लगता है ये सब तानाशाही शासन के चलते अगला जो चुनाव 6 महीना के बाद है तृणमूल कांग्रेस का सफाया हो जाएगा और 200 से अधिक सीट लेके हम लोग वहां जीतेंगे। वर्तमान जो परिस्थिति है बंगाल की, ये परिस्थिति अगले चुनाव तक मुझे लगता है खूब दयनीय वो करने जा रही है ममता बनर्जी अपना राजनीतिक अस्तित्व खत्म होने के चलते। तो आज हम लोग माननीय तेजस्वी सूर्या जी के साथ विशेष अधिकार जो होता है उसके तहत माननीय लोकसभा के स्पीकर के पास हम लोग दोनों गए, अपना विषय रखे और कानून के तहत कार्रवाई करने का हम लोग अनुरोध रखें। धन्यवाद। Download Tarang Online Radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.